और अभी भी उनको सूचना है कि श्री रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और परिवार के लोग आते हैं, उनको सिक्योरिटी कंट्रोल की व्यवस्था से वो नहीं गुजरते हैं, सीधे घर में जाए। उनको एक सूचना मिली कि एक काली टाटा सफारी के अंदर श्री राहुल गांधी उनको मिलने आने वाले हैं। ये सूचना गेट पर थी। उसके बाद में एक टाटा सफारी, काली ही टाटा सफारी आई और इसके अंदर श्री राहुल गांधी की जगह सुश्री शारदा त्यागी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी खरगोड़ा मेरठ, चार पार्टी वर्कर के साथ उनको मिलने आई। चूंकि काली गाड़ी ही थी, समय भी वो ही था, बड़ा इत्तफाक था, तो वो सिक्योरिटी चेकिंग के बगैर अंदर गए। मगर जैसे हरिप्रसाद जी ने कहा, वो कांग्रेस प्रोटेक्शन, क्या कहा था, सीआरपीएफ, कांग्रेस रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर थे और वो ही काली गाड़ी में भी आए, वो ही समय पर आए। वो इत्तफाक होने के बावजूद भी हमने इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए और जिम्मेदार तीनों लोगों को सस्पेंड कर सीनियर मोस्ट आईजी के पास उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। मगर अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, लेकिन राज्यसभा में इससे पहले कि ये बिल पास होता, कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही वॉकआउट आखिर क्यों कर लिया? देखिए, ठीक उसी तरह जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया था जब एसपीजी संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा चल रही थी और जब वो पारित होने के लिए वोटिंग होने के लिए आया, और उसी तरीके से राज्यसभा में भी वॉकआउट किया, तो ये उनकी एक रणनीति थी। और यहाँ पर कांग्रेस यही कह रही थी कि जिस परिवार को जान का खतरा है, जिसके दो लोग जिन्हों अपनी जान गंवा चुके हैं खतरे को देखते हुए, और बावजूद उसके सरकार सुरक्षा व्यवस्था हटा रही है, तो इस खतरे को देखते हुए, इस थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और इसी विरोध के चलते न तो वो लोकसभा में से बिल पास होने के दौरान और न ही राज्यसभा में, और अपनी बातें उन्होंने, अपने पॉइंट्स कहकर उन्होंने बता दिया कि हर हाल में, हर तरीके से कांग्रेस इसके विरोध में है। हालांकि अमित शाह ने सदन में यह भी बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में जिस तरह की बात सामने आई, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अब उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है।